सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं प्रखर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 8 के अंतर्गत वर्कशीट 34 जो कि पेज नंबर 92 पर है। आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं वर्कशीट 34। कंपेटेंसी द लर्नर कैन राइट ए प्रोसेस यूजिंग लिंकर्स फर्स्ट नेक्स्ट देन आफ्टर और इट्स आदि का प्रयोग करके हमें वाक्य लिखने हैं। राइट दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, आल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंस। रिमेंबर टू पुट ए कोमा आफ्टर इट। एग्जाम्पल देख ली। फाइनली सी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स। हमें फर्स्ट देन आफ्टर दैट और फाइनली इन चारों का यूज करना है और नए वर्ड बनाने हैं। देखिए ये वर्ड दे रखे हैं। सी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड, तो इसमें गीता वॉक्स अप इन द मॉर्निंग। सी पैक्स हर बुक्स नोटबुक एंड लंच बॉक्स इन हर बैग। सी ब्रश हर टीथ एंड हैव ए बाथ। सी ईट्स ब्रेकफास्ट विथ हर यंगर ब्रदर। तो हमें पहले क्या आएगा वो पहले लिखना है। फर्स्ट आएगा देखिए इसमें गीता वाला सेंटेंस, ये गीता फर्स्ट गीता वॉक्स अप इन द मॉर्निंग। इसके बाद ये करती है देन सी ब्रश हर टीथ एंड हैव ए बाथ, अपने दांत साफ करती हैं और इसके बाद वो नहाती है। आफ्टर दैट इसके बाद करती है सी ईट्स ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करती है और विथ हर यंगर ब्रदर अपने बड़े भाई के साथ। चौथा है देन सी पैक्स हर बुक्स नोटबुक एंड लंच बॉक्स इन हर बैग। इसके बाद वो अपनी किताबें कॉफ़ी और लंच बॉक्स बैग के अंदर पैक करती है। फाइनली पांचवा लास्ट में ये सी गोज़ टू स्कूल विथ हर फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है। प्लेलिस्ट के चित्र को उंगली लगाएं और ओपन हो जाएगा। वहाँ से सभी वर्कशीट और सभी असेसमेंट आप एक साथ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।